News 27 राजस्थान। पशुओं के बाड़ा की तर्ज पर संचालित हो रही है निजी स्कूल। शिक्षा विभाग के सारे नियमों को ताक पर रख कर चला रहे हैं निजी विद्यालय। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैनपुरा के न्यू विद्या भारती पब्लिक स्कूल की, जहां करीब 100 से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में है। शिक्षक संघ के नेताओं की आड़ व मिलीभगत से विभाग भी नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। पाली जिले के रानी उपखंड के रानी शिक्षा विभाग ने निजीकरण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में उच्च स्तरीय गुणवत्ता व शिक्षा व्यवस्था में सुधार, लेकिन अब इनका उल्टा दिखाई देने लग रहा। पाली जिले के रानी ब्लॉक में आज भी निजी शिक्षण संस्थान अपने व्यवसाय का सिर्फ विस्तार कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से व्यवसाय चला रहे उनको किसी प्रकार की शिक्षा में गुणवत्ता व उच्च स्तरीय शिक्षा की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ शिक्षा के नाम पर पैसा वसूलना ही अब उनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसा ही रानी ब्लॉक के किशनपुरा में देखने को मिला, जहां 100 छात्र छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए निजी स्कूल धड़ल्ले से चल रहे। कल जब स्थानीय मीडिया व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निजी स्कूल का हाल जाना, तो निजी विद्यालय के हालात देखकर सभी अचंभित रह गए। किशनपुरा में स्थित न्यू विश्व भारती शिक्षण संस्था, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें करीब 100 से भी अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, ये स्कूल कई वर्षों से इसी बिल्डिंग में चल रही है। स्कूल की बिल्डिंग जो एक रहवासी घर जिसकी हालत काफी खराब है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, ऐसी जर्जर बिल्डिंग में चल स्कूल से हादसे का भय बना रहता है। स्कूल में नहीं किसी कक्षा में ढंग से छात्रों के बैठने व पढ़ने की व्यवस्था है, नहीं प्रशिक्षित शिक्षक है, और जो पढ़ाने वाले अध्यापक है वो भी अप्रशिक्षित है। नहीं किसी प्रकार की छात्राओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, नहीं पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, नहीं खेलने की व्यवस्था। यहाँ तक कक्षाओं में साइन बोर्ड की भी खराब है, व जिन छात्रों के अभिभावकों से कंप्यूटर की फीस ली जा रही, उनको भी कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल रही है। कारण है पूरे विद्यालय एक भी कंप्यूटर नहीं है। जब इन सभी कमियों की व्यवस्थाओं की जांच व मीडिया कवरेज करने पर नाराजगी जताई संस्था के मालिक ताराचंद ने, तो मीडिया को यहां तक बताया कि मेरे राजनीति तालिका की जगह देखा जिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्कूल बिल्डिंग की जर्जर हालत से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। साल की एक छात्र से 15-20 हजार तक फीस वसूलता है यह निजी स्कूल। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश क्या पढ़ रहे हो अभी आप? संस्कृत के सर कहाँ अभी आपके? कहाँ, बाहर है तो नहीं? बाहर क्यों, फिर क्लास में नहीं क्या? क्लास में आई हूँ। कब आएंगे? अब। पता आपको आएंगे? हाँ। इससे पहले कौन सा पीरियड था? इंग्लिश। तब सर कहाँ थे? तब बाहर थे। मैं दो पीरियड से सर बाहर ही है। दो पीरियड तो मैं विजिट करके गया आपका, लंच का पहले अगर आपका। पता नहीं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते? कौन सी क्लास है आपके स्कूल में? कंप्यूटर क्लास नहीं है क्या? तो फिर आप कंप्यूटर सिखाते नहीं सर आपको? कहाँ सिखाएंगे? वहाँ सिखाएंगे, मतलब अभी 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 तक नहीं है ना? ओके, थैंक यू। ये कौन आपके दो? ये दीदी नहीं आएगा? अच्छा अच्छा। हाँ सर, आपके ब्लॉक के अंदर जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थान चल रही है, वहाँ की काफ़ी अव्यवस्था का आलम है। क्या अभिभावक को इस अव्यवस्था के बारे में अवगत है सर? हम जांच करेंगे उसके बारे में, और जांच करके ये कब तक जांच होगी और इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी, कब तक विभाग कार्रवाई करेगा? जिस तरह आज हमने किशनपुरा के अंदर आपके ब्लॉक के अंदर किशनपुरा के अंदर हमने एक स्कूल की विजिट की थी, उस स्कूल के अंदर बच्चों के बैठने की, बच्चों के पढ़ने के लिए साइन बोर्ड, यहाँ तक जो आठवीं क्लास की जो छात्राएं बड़ी 15 साल के, उनके टॉयलेट की व्यवस्था नहीं स्कूल के अंदर। गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, बॉयज़ टॉयलेट नहीं, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में, वहाँ जो टीचर जो पढ़ा रहे वो भी नॉन प्रशिक्षित है, 10वीं 12वीं के बच्चे आज भी आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ा। ऐसी अव्यवस्थाओं को किस तरह से शिक्षा लेगा और कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जल्दी हम जांच करके उस संबंध में आपसे कार्रवाई करेंगे। कब तक होगी सर ये कार्रवाई?